पंडित रामकृष्ण, ध्यान से हमारी बात सुनिए। इस वस्त्र के नीचे जो पुस्तक है वो संविधान नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर इस पर हाथ रखिए और शपथ ले लीजिए और महाराज से अत्यंत ही सरल प्रश्न पूछिए। हैं? देखिए, जब आपने संविधान की शपथ ली ही नहीं, ये शपथ आप पर लागू नहीं होगी। बताओ महाराज को। क्या कर रहे हो पंडित रामकृष्ण? मैं भी तो गए ना। हाँ। आप चिंतित क्यों होते हैं गुरुवर? भले ही मेरे हाथों के नीचे विजयनगर का संविधान ना हो, किंतु मेरे हृदय में तो विजयनगर का संविधान बसता है ना। छल नहीं कर सकता, ना ही संविधान से और ना महाराज से। मान जाइए। आप दोनों महानुभावों के बीच क्या विचार विमर्श हो रहा है? कुछ नहीं महाराज, ये गुरुवर भी ना मुझे धर्म और नीति के ज्ञान दे रहे थे। धन्यवाद गुरुवर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। महाराज, अब इससे पूर्व कि मैं आपकी अगली परीक्षा लूं और आपसे प्रश्न पूछूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी प्रजा में से यदि कोई व्यक्ति आपके समक्ष अपनी एक इच्छा प्रकट करे, तो क्या आप उसकी वो इच्छा पूर्ण करेंगे? अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ति करना एक राजा का कर्तव्य है, परंतु उस इच्छा को पूर्ण करने से पूर्व राजा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस इच्छा के पूर्ण होने से कहीं प्रजा या राज्य को कोई हानि तो नहीं पहुंचती। सत्य वचन। महाराज, मेरा मित्र चित्रंजन मात्र एक क्षण के लिए राजा बनना चाहता है, क्या आप इसकी इच्छा पूर्ण करेंगे? क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? अरे ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को आप विजयनगर का राजा बना सकते हैं, भले ही वो एक क्षण के लिए क्यों ना हो? तनिक सोचिए पंडित रामकृष्ण, सोचिए। यदि राजा बनते ही उसने कोई अनुचित निर्णय ले लिया तो? गुरुवर, कोई भी मात्र एक क्षण में गलत निर्णय कैसे ले सकता है? देखिए पंडित रामकृष्ण। उचित है पंडित रामकृष्ण। महाराज, हम आपके मित्र की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए चित्रंजन जी। किंतु महाराज, ये मेरा मित्र चित्रंजन नहीं है, ये तो मात्र मेरे बुलाने से भीतर आ गया था। तो फिर आपके मित्र चित्रंजन कहाँ है? प्रणाम महाराज। बताइए पंडित रामकृष्ण, कहाँ है आपके मित्र चित्रंजन? आपके सामने। तो मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है कि रुकी रहू। अरे ये क्या भूकंप आ गया है यहाँ पर? इन्ना नड़ंतु रिक्क रुकु, इन्ना नड़ंतु रिक्क रुकु, इन्ना नड़ंतु रिक्क रुकु। श्रीमान नड़ंतु रिक्क रुकु, इन्ना नड़ंतु रिक्क रुकु। आपकी जो जो भी समस्या है वो कृपया देव भाषा अथवा हिंदी में कहें। समझा समझा कर बोलिए कृपया। ये मनुष्य कौन है जो हमारे महाराज के प्रति संदेह निर्माण कर रहा है? महाराज की परीक्षा लेने वाला और महाराज की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला, जबकि राज्य की प्रजा महाराज पर पूरा भरोसा करती। इपुदु पारुंगल कुड़ेवाक इरुक कुराद इपुदु पारुंगल इरुक कुराद। पुनः पुनः कह रहा हूँ, हिंदी में वार्तालाप करें। अब वार्तालाप वार्तालाप कुछ नहीं होगा,
हम इस मनुष्य का सर धड़ से अलग कर देगा और महाराज का अपमान का बदला लेगा। महाराज, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। अरे इस भूकंप को रोको। महाराज मेरी रक्षा कीजिए। महाराज मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। अरे बचिए। महाराज, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए महाराज। ये मेरे प्राण ले लेगा। रक्षा कीजिए मेरी। वो क्या भागेगा? रुक जाओ। महाराज हम इसको जीवित नहीं छोड़ेगा। हमने कहा रुक जाओ। हमारे होते हुए तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। एक राजा के समक्ष उसकी प्रजा के प्राण कोई तब तक नहीं ले सकता जब तक राजा के प्राण बाकी हैं। और किसी तलवार की धार इतनी तेज नहीं कि एक राजा के समक्ष उसकी प्रजा की गर्दन तो क्या नख भी काट सके। और तुम भी तो हमारी प्रजा ही हो। हमारे सामने ऐसा को कृत्य करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? बोलो, उत्तर दो। ये दुस्साहस मैंने करवाया महाराज। ये साहस मैंने इनको दिया था। आप फिर से शुरू हो जाइए। शिव 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 देखो महाराज, भरत दरबार में पंडित रामकृष्णा ने वृद्ध वेंकटेश बबई पर प्राण घातक हमला करवा दिया। पंडित रामकृष्णा महाराज, ये सब क्या है? महाराज, अपनी सफाई देने से पूर्व मैं वेंकटेश बबाई से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब दरबार में इतने सारे लोग उपस्थित थे तो ये अपने प्राणों की रक्षा हेतु आपके पीछे ही क्यों गए? अपने प्राणों की रक्षा के लिए ये आपसे ही दुहाई क्यों मांग रहे थे? बोलिए वेंकटेश बाबाई। और किसके पीछे छुपता? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये ही मेरी रक्षा करेंगे। और क्यों था ये विश्वास आपको? क्योंकि ये अपनी प्रजा के साथ कुछ भी अप्रिय नहीं होने दे सकते। क्या ये बात आप विश्वास के साथ कह सकते हैं? हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ। हाँ बस महाराज, मुझे यही तो कहलवाना था वेंकटेश बाबाई से, क्योंकि पूरे विजयनगर की प्रजा में से एकमात्र यही थे जिन्होंने आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, जिन्हें आपकी योग्यता पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने आपको अपनी योग्यता सिद्ध करने को कहा, और आज ये स्वयं कह रहे हैं कि इन्हें आप पर पूर्ण विश्वास है। और यही थी मेरी तीसरी परीक्षा, तीसरा प्रश्न, विश्वास, जिस पर महाराज पूर्णतया सफल हुए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।